हेलो गाइस, वेलकम टू जियो ऑटोमोटिव। दिस इज़ गौर अडवानी एंड टुडे वी आर हियर इन फ्रंट ऑफ द मैग्ना वेरिएंट ऑफ द ऑल न्यू i20 दैट इज़ रिसेंटली लॉन्च्ड। बीइंग द बेस वेरिएंट, दिस इज़ द मोस्ट अफोर्डेबल वन एंड लेट्स फाइंड आउट कि आपको इसमें क्या क्या फीचर्स मिलते हैं। सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फ्रंट ऑफ द कार। फ्रंट में ऐसे रेगुलर हेलोजन बल्ब्स मिलते हैं विद टर्न इंडिकेटर्स। अंडरनीथ आपको फॉग लैम्प मिल जाता है दैट आर हेलोजन प्रोजेक्टर विद LED DRLs प्लेस इन ए ट्राइंगुलर शेप। आपको एक अच्छा कंटिन्यूएशन डिजाइन मिलता है फ्रंट एंड में विद हेडलैम्प्स एंड ग्रिल कनेक्टेड। यू गेट ग्लॉस ब्लैक फिनिश ग्रिल विद अ मैसिव Hyundai लोगो इन बिटवीन। आपको उसी के नीचे ग्लॉस ब्लैक फिनिश में डिफ्यूजर प्रोवाइड किया गया है टू प्रोवाइड अ मोर स्पोर्टी लुक to the front end of the car. You get creases and lines on the hood of the car to provide more aggressiveness. जो इसका previous generation था वहाँ कहीं ना कहीं sportiness और ugliness missing थी, that is why उसी को ठीक करते हुए Hyundai has provided it on the third generation. Side profile में 16-inch के wheels मिलते हैं that are not alloys, steel rims with steel caps. आपको टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पे मिलते हैं instead of the ORVMs. Being the base variant, cost cutting की गई है कहीं जगह। ORVMs की शेप काफ़ी अच्छी है। यू गेट बॉडी कलर डोर हैंडल्स इंस्टेड ऑफ रिक्वेस्ट सेंसर, यू गेट द की होल टू इंसर्ट योर की। 16-inch व्हील्स विद स्टील कैप्स। ऑल्सो आपको शार्क फिन एंटीना नहीं मिलता, यू गेट द रेगुलर एंटीना बीइंग द बेस वेरिएंट। नाउ लेट्स फाइंड आउट कि आपको रियर एंड पे क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। यू गेट अ वेरी स्मॉल बैजिंग ऑफ i20 ऑन द टेल लाइट्स। टॉकिंग अबाउट द रियर एंड, आपको हेलोजन लाइट्स मिलती है इंस्टेड ऑफ द LEDs that are provided on the higher variants. You get a red strip connecting both the tail lights, which looks beautiful. i20 की badging, Hyundai का logo. Also, you don't get any rear wiper or defogger. Instead, you get an high mount stop lamp. आपको कोई भी variant की badging नहीं मिलती, only on the Magna, बाकी सब variants पे आपको मिलती है. Now, let's open the boot and find out आपको क्या क्या फीचर्स मिसिंग मिलेंगे बूट में। द फर्स्ट इज द बूट स्पेस। बूट स्पेस आपको हर वेरिएंट में सेम मिलेगी, दैट इज 311 liters। यू डोंट गेट एनी पार्सल ट्रे, ऑल्सो यू डोंट गेट एनी बूट लैम्प। अदरवाइज द बूट रिमेन सेम फॉर ऑल द वेरिएंट्स। नाउ लेट्स क्लोज द बूट एंड गेट इनटू द इंटीरियर एंड फाइंड आउट कि आपको कस्टमर्स को बेस वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड। सो नाउ लेट्स गेट इन टू द इंटीरियर ऑफ द कार एंड फाइंड आउट कि आपको ड्राइवर सीट पे क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं फॉर द ड्राइवर सीट एंड फ्रंट पैसेंजर्स। टॉकिंग अबाउट कि आपको पावर विंडोज के कंट्रोल्स कहाँ मिल जाते हैं, लेट मी ओपन द डोर एंड शो यू। यू गेट द कंट्रोल्स फॉर ऑल द 4 पावर विंडोज इन द बेस वेरिएंट 2 ऑन द ड्राइवर साइड विद 1 touch down ऑप्शन फॉर ओनली द ड्राइवर साइड, चाइल्ड लॉक सिस्टम एंड कंट्रोल्स फॉर ORVMs दैट आर इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल, दैट टू इन बेस वेरिएंट, दैट्स अगेन अ गुड फीचर। Tweeter on the A pillar of the car. Talking about the steering wheel पे आपको left side पे controls मिल जाते हैं for the infotainment system that is provided, calling options and muting options, silver garnish all over the steering wheel, right side पे controls for the instrument cluster. जो steering wheel है वो काफ़ी तरह से inspired है क्रेटा से, instead आपको top variant पे भी D cut steering wheel नहीं मिलता, left side पे controls for वाइपर्स एंड राइट साइड पे कंट्रोल्स फॉर हेडलाइट्स। टॉकिंग अबाउट द इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल लुकिंग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद रेड एंड वाइट एक्सेंट्स। लेफ्ट साइड पे आपको टैकोमीटर मिल जाता है एंड राइट साइड पे स्पीडोमीटर विद अ स्मॉल डिस्प्ले MID इन बिटवीन, जिसके कंट्रोल्स आपको स्टीयरिंग व्हील पे मिलते हैं। राइट साइड पे AC वेंट्स एंड हेडलाइट लेवलर। टॉकिंग अबाउट द इन्फोटेनमेंट सिस्टम, आपको टच स्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टम नहीं मिलता, यू गेट 2 DIN रेगुलर डिस्प्ले सिस्टम विद अ स्मॉल डिस्प्ले इन बिटवीन। आपको इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है विद द नॉब फॉर एडजस्टिंग वॉल्यूम ऑल्सो एंड बटन्स। टॉकिंग अबाउट AC आपको मैनुअल मिलता है, नो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल। गेयर नॉब, दिस इज द मैनुअल वेरियंट, पेट्रोल वी आर लुकिंग एट। ऑल्सो यू गेट एन चार्जिंग ऑप्शन फॉर द फ्रंट पैसेंजर्स, आपको सिर्फ एक ही चार्जिंग ऑप्शन मिलता है आगे। हैंड ब्रेक एंड ड्यूअल कप होल्डर्स। ऑल्सो आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है विद सम स्टोरेज। बेस वेरिएंट में आर्मरेस्ट अगेन इज अ गुड फीचर। हैजार्ड लाइट एंड द AC वेंट्स, जो इसकी डिज़ाइन है एज आई सेड इन द प्रीवियस वीडियो, मुझे काफ़ी अच्छी लगी, जो पैरेलल लाइंस रन करती है अक्रॉस, सिंपल IRVM। ऑल्सो यू गेट सनग्लास होल्डर फ्रॉम द बेस वेरिएंट। हेलोजन लाइट्स,
फॉर द फ्रंट पैसेंजर्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द फ्रंट सीट ऑफ द कार. फ्रंट से काफी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं बेस वेरिएंट में. सो नाउ लेट्स गेट इनटू द रियर सीट एंड फाइंड आउट कि रियर सीट पैसेंजर्स को एक बेस वेरिएंट में क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं. डोर की बात कर लें, यू गेट गन मेटल फिनिश इंटीरियर डोर हैंडल्स विद द कंट्रोल्स फॉर द पावर विंडो दैट आर नॉट वन टच अप एंड डाउन. नाउ लेट्स क्लोज द डोर एंड फाइंड आउट द फीचर्स. यू गेट द रीडिंग लैम्प्स फॉर द पैसेंजर्स. That's again halogen, not an LED one. Being a base variant, आपको rear AC vents भी मिल जाते हैं. So again a plus point to Hyundai. Also आपको fast charger नहीं मिलता. You get simple USB charger. You get storage space on the co-driver side, not on the driver side. Now take a look at dashboard of the car. Dashboard is quite simplistic. आपको काफी सारे features provide किए जाते हैं. Being a base variant, तो काफी अच्छा value for money option बन जाता है Magna variant. नी रूम की बात कर लें, आई एम 6'2" और आगे की सीट मेरी हाइट से एडजस्टेड है. नी रूम इज क्वाइट सफिशियंट, जो इसका पिछला जनरेशन था उससे काफ़ी ज़्यादा अच्छी है. यू डोंट गेट एनी रियर आर्म रेस्ट. ऑल्सो यू डोंट गेट एनी रियर एडजस्टेबल हेड रेस्ट. बींग एन बेस वेरिएंट, दीज आर नॉट जस्टिफाइड. ग्रैब हैंडल्स ऑन बोथ द साइड्स. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंटीरियर ऑफ द कार. इंटीरियर में काफ़ी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं और जिस प्राइस पॉइंट पे आती है उस प्राइस पॉइंट में काफ़ी अच्छे फीचर्स प्रोवाइड किए गए हैं, तो वैल्यू फॉर मनी बन जाता है मैग्ना वेरिएंट. सो दिस वाज ऑल अबाउट द मैग्ना वेरिएंट ऑफ द ऑल न्यू i20. नाउ यू कैन सी द स्पेसिफिक वेरिएंट विद देयर ट्रांसमिशन ऑप्शंस, प्राइस एंड स्पेसिफिक इंजन ऑप्शन. ऑल्सो लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल एंड गेट नोटिफाइड फॉर ऑल माई अपकमिंग वीडियोज इन फ्यूचर. थैंक यू.